महानगर के विभिन्न स्थलों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का कोई फुर्साहाल न लेने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग अपनी गरज और जरूरत के हिसाब से प्रतिमाओं की साफ सफाई का कार्यक्रम तय करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के गोरखपुर आगमन का कार्यक्रम तय होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जिला पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की याद आई। जिन महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई का उन्हें अब तक ख्याल भी नहीं आया था, अचानक वो लोग महापुरुषों की प्रतिमाओं और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का कार्यक्रम तय कर 18 से 20 जुलाई तक इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देंगे। इस विषय पर बात करने पर आम लोगों का कहना है कि यह सब राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। वाली हर जगह नेतागिरी है, नेता लोग हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं ये लोग, अपने समय आने पे नेतागिरी करते हैं। और अब देख लीजिए, अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो अभी समय इनको सारी मूर्तियाँ याद आने लगी और मूर्तियों की 3 दिन स्वच्छता अभियान चलाने लगे ये लोग। इसके पहले कहाँ थे लोग? ये तो हमेशा भाई महान लोग हैं, महान लोगों की मूर्तियाँ हैं, तो इसको हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, हमेशा इसकी सफाई होनी चाहिए। ये सब राजनीति है भैया, राजनीति के तहत ये किया जा रहा है।